दर्शन से जिसका जी भर जाए पूर्ण भक्त नहीं अधूरा भक्त, प्रवचन से जिसके कान तृप्त हो जाए वह अधूरा भक्त पूरा है ही। जब राम ने वाल्मीकि से पूछा था हम कहाँ निवास करें, तो वाल्मीकि ने कहा था जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, जिनके कान समुद्र के समान है तुम्हारी कथा प्रवचन ये सब नदी के समान है, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, ऐसे ही तुम्हारी कथा सुनते सुनते जिनके कान कभी तृप्त ना हो उनके हृदय में तुम निवास कर। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके हृदय बसहु गृह रूरे, तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। भगवान बाहर कहीं नहीं रहता है। एक बार पीपल के पेड़ के नीचे भगवान दुखी बैठा हुआ, इंसान दुखी हो ये बड़ी बात नहीं, भगवान भी दुखी होता। तो नारद जी ने भगवान से पूछा भगवान तुम क्यों दुखी हो, दुनिया दुखी हो तो अच्छा भी है लेकिन तुम क्यों दुखी हो। भगवान ने कहा कि मैं इसलिए दुखी हूं ये आदमी बहुत भीड़ कर देता है मंदिर में, तुम्हें कहां रहा। नारद जी ज्ञानी भी थे ब्रह्मचारी थे, नारद जी ने कहा प्रभु मनुष्य की आंखें बाहर सब देखती हैं, बाहर कहीं रहोगे वो देख लेगा ढूंढ लेगा, कान बाहर का सब सुनते हैं आपकी चर्चा सुन करके वो सब तुमको तलाश कर लेगा, हाथ बाहर का सब काम करते हैं वो बाहर से टटोल के ढूंढ लेगा, पैर बाहर चल के जाते हैं पहाड़ों पर भी ढूंढेगा। बोले फिर भीड़ से उब गए हो आप। भगवान ने कहा थोड़ा शांति से भी तो रहना चाहता। नारद जी ने कहा बाहर कहीं भी छिपोगे तुम बचोगे नहीं। बोले फिर क्या करो। बोले आदमी के हृदय में चले जाओ, तुम दिल में चले जाओ, दिल में बैठ जाओ। तब से भगवान आदमी के दिल में बैठ गया, तो आदमी दिल्ली में ढूंढ रहा है, भगवान दिल में बैठा। मोक कहां ढूंढो बंदे हो, मोक कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आडंबर बहुत है संसार में, मोको कहां। हनुमान जी तो एक ही है लेकिन लोग कहते हैं मेहंदीपुर वाले जो बालाजी हैं एक बार दर्शन कर लो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो लोग पूछते हैं फिर हमारे गांव वाले बालाजी, अरे बोले इनमें दम नहीं। क्या बात है। अरे वो बालाजी तो वही है, हनुमान जी तो वही है ना, मूर्ति अलग अलग है। कोई बोलता तिरुपति के बालाजी, वो तो एक ही बार में फाइनल सब पूर्ण कर देते हैं। वहां तिरुपति में खड़े हैं लोग मूर्खनाथ सब, बहुत भीड़ है। अरे बालाजी, बालाजी की कृपा कैसे मिलती है आपको मालूम है। बालक जैसा सरल स्वभाव बना लो तो घर ही में बालाजी की कृपा मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम बाला। हनुमान जैसी भक्ति और श्रद्धा और पराक्रम और बलवीर्य आपके अंदर पैदा हो जाए तो आपकी मनोकामना तो फटाफट पूरी होती चली जाएगी। सुमिरो पवन कुमार, हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ यह है कि हनुमान जैसी भक्ति आप में उतर जानी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। भाग्य चले जाओ मेहंदीपुर बालाजी, तुम्हारे यहां भी बालाजी है, काम खेड़ा वाले बालाजी।
हाँ सब अलग अलग दिशाओं में सब अपने अपने जरूरत के लिए बालाजी को बना लिए हैं, पर हनुमान जी भी बहुत हंसते हैं कि मूर्ख बहुत है लोग। हनुमान जी भी सोचते मैं हनुमान ये टोटल बेईमान क्या करना चाहता है। कहाँ बालाजी फालतू। हनुमान जी देखिए हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, वही करना पड़ेगा। अपन तेज समारो आपे कांपे, तीनहु लोक हाँकते कांपे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत की सेवा करो तो बालाजी खुश हो जाते हैं। तुम पर तो बालाजी खुश हैं, हनुमान जी भी खुश हैं, राम जी भी खुश हैं, और तुम बहुत बड़े भक्त हो। अब भक्त कम हो तुम जानो कितने, लेकिन हमको लगता बड़े भक्त हो। क्यों? क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग सत्संग सुन रहे हो, ये पहली भक्ति राम ने जो सिवरी को बताया था वो तुम कर रहे हो, और कथा भी सुन रहे हो, संतों की संगत भी कर रहे हो, गुरु मंत्र भी ले लिया है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। आप में बहुत बड़ी भक्ति, भक्ति ना होती यहां बैठ नहीं सकते थे, बैठ ही नहीं पाएगा, बैठना बहुत कठिन सत्संग। बहुत लोग आते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते, उठ के फिर चले जाते हैं। बहुत लोग बैठे भी रहते तो उनका मन नहीं बैठता है, मन कुछ और जगह लगा रहता है। ये बैठना ही कठिन है। सत्संग में तुम बैठो और सत्संग तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो घटना घट जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। फिर अंदर जो कूड़ा कबाड़ा बैठा है ना, वो सब निकल कर बाहर हो जाएगा।